स्किन वाइटनिंग को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, खासकर लड़कियां। वो ये सोचती है जब भी गोरी लड़कियों को देखती है, यानी कि जिनका कलर फेयर होता है, तो उन लड़कियों को देखती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो यही सोचती रहती है कि यार मेरा रंग काला क्यों है, मुझे टैनिंग क्यों हो जाती है, इनकी स्किन ब्राइट क्यों है, ग्लो करती रहती है, मेरी स्किन क्यों नहीं करती। तो इसके लिए मैं एक होम रेमेडी यानी कि घर पे बनाई हुई क्रीम लेकर आई हूँ, जिसका आप यूज करोगे तो आपकी स्किन वाइटनिंग यानी कि वाइट हो जाएगी और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। क्योंकि हमारी सब लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमारी स्किन वाइट नहीं बल्कि जो नेचुरल कलर है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर हम अपनी स्किन की जो टैनिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं और हमारी स्किन पे ग्लो नहीं होता उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारी स्किन पे ग्लो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी स्किन पे ग्लो नहीं रहता और हमारा कलर है वो फेयर है तो हमारा वो भी डल ही लगेगा, क्योंकि स्किन क्या होती है तभी अच्छी दिखती है जब हमारी स्किन पे ग्लो होता है। और भाई स्किन तो सबकी यही सोचते हैं कि लड़का हो लड़की अच्छी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए ना, बिना मेकअप के भी सुंदर दिखे, राइट। तो आज मैं सबसे बेस्ट क्रीम लेकर आई हूँ जो आप घर पर बना सकते हो, इजिली परचेज कर सकते हो। उन चीजों को आपके ऑलमोस्टली तो घर पे ही मिल जाएगी, अगर वो चीजें नहीं है तो आप इजिली मंगवा सकते हो और इस क्रीम को बना सकते हो। तो मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं वीडियो के दिखाती रहूंगी कि मैंने ये इंग्रेडिएंट लिए हैं, फिर भी मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या लेना है, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज लेने हैं। 1 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो थोड़ा चौथा हिस्सा रह जाए, आपको लगेगा ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, उससे पहले ही उसको छान लीजिए, क्योंकि वो नहीं तो जेल टाइप में बन जाएगा और वो छाना नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चाहे वो गाढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने ये रात को ही भिगो दिए थे, थोड़े से 1 चम्मच चावल भिगोए थे मैंने, और इसके अंदर ओट्स 1 चम्मच आपको ओट्स लेने हैं, प्लेन वाले ओट्स लेने हैं, मसाला ओट्स नहीं लेने हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। प्लेन ओट्स लेने, मैंने दोनों को भिगो के रख दिया था रात को ही, आप देख सकते हो साइड में जो ये मैंने कप में रखे हुए हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो चावल थे जो भिगोए हुए थे और ओट्स थे उनको एक मिक्सी जार में डाल लेना है, और उसके बाद में जो फ्लैक्स सीड का हमने जो जेल बनाया है वो 2 चम्मच वो इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से ग्राइंड ना कर लेना है, और एक आपका पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। लिक्विड में होएगा, सॉलिड नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का लिक्विड होगा। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप, जैसे मैंने 1-1 चम्मच लिया, आप 2-2 चम्मच भी कर सकते हैं। मैंने 1-1 चम्मच ही बताई है आपको कि आप ज्यादा टाइम के लिए ना स्टोर करो उसको, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है, सिर्फ 10 से 15 दिन ही चलता है, इसलिए थोड़ा बनाइए ताकि वेस्टेज कम हो आपकी। फिर इसके बाद में आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है। अगर आप प्लांट वेस्ट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, अगर आपको कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों क्या होता है प्लांट वेस्ट से एलर्जी होती है, तो वो ऑर्गेनिक ले सकते हैं। मैं पंतजलि का ले रही हूँ, मेरे को बहुत सूट करता है, मैं जो प्लांट वेस्ट है वो भी सूट करता है, मैं दोनों ले लेती हूँ। आज ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ, ठीक है। 1 चम्मच आपको ये ले लेना है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसके अंदर एक डालना है विटामिन ई का कैप्सूल। हाँ, सिर्फ एक ही डालना है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है आपकी स्किन को, और जो आपकी झुर्रियां हैं उसको भी कम करता है और स्किन को हमारे टाइट करता है। और उसके बाद में आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद में, ये लिक्विड फॉर्म में ही शो हो रहा है आपको, अब इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेना है ताकि ये क्रीमी टाइप में आ जाए। थोड़ा सा चावल का आटा इसमें अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर लीजिए, 1/2 चम्मच 1 चम्मच जैसे भी आपको लग रहा है, धीरे धीरे उसमें मिक्स करते रहिए, और स्मूथ पेस्ट बनाना है आपको, ऐसे गुंथलियां नहीं रहनी चाहिए उसमें, ठीक है, जैसे हमारी क्रीम होती है ना वैसे। आप घर पे बना सकते हो, चावल को ग्राइंड कीजिए और फिर उसको अच्छे से छान लीजिए, आपका बारीक पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब भी मन करता है आप बना लीजिए, 2 मिनट का काम है। फिर उसके बाद में ये आपकी क्रीम एक तैयार हो जाती है, और इसका आपको यूज कैसे करना है इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस तरह की क्रीम तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ही मलाईदार लग रही है ना देखने में, मुझे बहुत अच्छी लग रही है।
एक डिब्बी के अंदर आपको स्टोर करके फ्रीज में रखना है 15 दिन तक। ये बिल्कुल सही रहेगी। अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो सिर्फ एक हफ्ता ही चलेगी। आप इसको 15 दिन तक रूटीन में यूज कर सकते हो। करना कैसे है, ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन वाले कोई भी कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पे। आपको सबसे पहले अच्छे से फेस वॉश कर लेना है, या सिंपल पानी से अगर मुंह धो रहे हो तो आप उससे भी धो सकते हो, कि आपके फेस पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से धूप से आए तो धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है। उसके बाद में आपको आइस क्यूब लेनी है, अगर आइस क्यूबर वाला है तो आप उससे मसाज कर सकते हो, नहीं तो ठंडा पानी लेके किसी भी बर्तन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा जितनी देर डिप कर सको, आधी सेकंड के लिए, ज्यादा तो हम नहीं कर सकते ठीक है, तो आधी सेकंड के लिए ऐसे 4 से 5 बार वो भी कर सकते हो, या सूती कपड़े में 2 टुकड़े पीसीज जो है वो डाल के बर्फ के, उससे भी हम हल्के हल्के हाथ से अपनी स्किन पे मसाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इस पेस्ट को अप्लाई करना है, जो क्रीम है उसको अप्लाई करना है। कोशिश ये करिए कि रात के टाइम ही करें आप इससे, क्योंकि उसके बाद में हमें कहीं जाना नहीं होता, धूल मिट्टी नहीं गिरती, क्योंकि सुबह क्या होता है हम बाहर जाते हैं, वर्किंग होते हैं, तो धूल मिट्टी हमारे स्किन पे पड़ती रहती है। तो इसीलिए इसको ज्यादा हो सके रात के टाइम करिए। हाउस वाइफ है जो घर पे रहती है वो दिन में भी इसका यूज कर सकती है। इसको लगाना कैसे है मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, जैसे ये मेरी स्किन है, तो आपको अच्छे से इस तरह से आपको लगानी है इसको, बिल्कुल क्रीमी स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चावल का आटा खुरदरा रह गया तो एक खुरदरा लगेगा आपको, अगर चावल का आटा खुरदरा नहीं है, बिल्कुल बारीक हो गया आटा है, तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आएगा इसको। आप ये देख लीजिए, इस तरह से थोड़ी सी देर में हमारी स्किन पे रम जाएगी। जब आप इसका रूटीन में यूज करोगे, 2 से 3 दिन भी आप इसका यूज करोगे, तो इसके रिजल्ट मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहोगे कि मैम ने बिल्कुल ही चमत्कारी नुस्खा बताया, इतना जबरदस्त, सस्ता और टिकाऊ, जिसको बोलते हैं कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी इसको बना सकता है। फिर आपको क्या करना है, आधे घंटे तक अपनी स्किन पे ऐसे ही लगे रहने देना है, उसके बाद में ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, और फिर उसके बाद में आपको रात के टाइम जितना भी हो सके आपको मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन जो भी आप यूज करते हो उसका जरूर यूज करना है। हमारी स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है, क्योंकि हमारी स्किन को भी मॉइस्चर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमारी स्किन किसी किसी की जिसकी ड्राई होती है और ड्राइनेस आ जाती है, सुखा लेना है, ये पूरी तरह स्किन में रम जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो आपको वैसे भी, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ ऐसे लगाया हुआ है, तो आप दिन में भी इसका यूज कर सकते हो। और उसके बाद में जो भी आप सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हो उसका यूज कर सकते हो। आप 2 या 3 दिन इसका यूज करोगे तो आप अपनी स्किन पे अलग ही ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन पहले से काफी बेटर हो जाएगी। और आप अपनी एक फोटो जरूर क्लिक करके रख लेना, एक पहले की और एक एक हफ्ते बाद की, और मुझे जरूर शेयर करना आपको कितना डिफरेंस हुआ। मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जब आप इसका यूज करोगे तो आपकी स्किन में रात दिन का फर्क दिखेगा, पहले से काफी ब्राइट दिखेगी आपको। घर पर आप इसको इजिली बना सकते हो, मार्केट से जाके आपको कुछ भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। कोई भी आपको पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, रिंकल्स, किसी भी स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपकी सोल्व करूंगी, वो भी घर बैठे बैठे। और आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन लड़कियों और लड़कों को जो वो दूसरे लड़के और लड़कियों को देख के ऐसे लगता है कि उनको कि मेरी स्किन ऐसी क्यों नहीं है, तो आपकी स्किन भी ऐसी हो सकती है और 100% हो सकती है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए।